हाय गाइस, मैं गीत हूँ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का शो है साइकोलॉजी फैक्ट्स एंड टिप्स विद गीत। आज की वीडियो में हम 5 टॉपिक्स पे बात करेंगे। नंबर 1, कैसे पता चले कि आपको प्यार होने लगा है। नंबर 2, लड़कियों को समझने के लिए कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। 3, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कुछ टिप्स। 4, साइकोलॉजिकली क्या होता है अगर आप अपनी फीलिंग्स छुपाते हो। एंड 5, झूठ के बारे में कुछ फैक्ट्स एंड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स कि आप झूठ बोलने वाले को कैसे पकड़ो। लेकिन इससे पहले कि हम इन टॉपिक्स पे बात करें, अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो, बेल बटन दबाओ और मेरे साथ जुड़ जाओ। 4 साइंस कि आपको प्यार होने लगा है। नंबर 1, आप उनके टेक्स्ट बार बार पढ़ते हो। नंबर 2, जब आप उनके साथ होते हो ना, आप बहुत धीरे चलते हो। नंबर 3, उनकी आवाज सुनने पे बिना बात के आप मुस्कुराने लगते हो। एंड नंबर 4, उनके बारे में सोचने पे ही आपका दिल तेज धड़कने लगता है। जब मैंने किसी का नाम नहीं बोला है, लेकिन जब आप ये बातें सुन रहे थे ना, आप उनके बारे में सोच रहे थे। कुछ फैक्ट्स लड़कियों के बारे में। जब कोई लड़की आपको हर रोज कॉल करती है या टेक्स्ट करती है, वो चाहती है कि आप उसकी तरफ ध्यान दो। जब कोई लड़की अपनी प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करती है, इसका मतलब वो आप पे भरोसा करती है। और जब कोई लड़की पहले कॉन्वर्सेशन शुरू नहीं करती है, इसका मतलब ये नहीं है नेसेसरली कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। बहुत बार लड़कियां ऐसा नहीं करती हैं क्योंकि वो आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हैं। और हर लड़की की जिंदगी में एक ऐसा लड़का होता है जिसे वो जिंदगी भर प्यार करती है। लोगों को इम्प्रेस करना है तो ये 3 साइकोलॉजी टिप्स याद रखिए। नंबर 1, अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बात सीरियसली लें तो आप आई कांटेक्ट बनाओ, तो आंखों में आंखें डाल के बात करिए। नंबर 2, अगर आप चाहते हो कि लोग आपके साथ रहना पसंद करें तो खुश रहो। लोगों को खुश लोग बहुत पसंद है क्योंकि अंदर से सब लोग खुश रहना चाहते हैं। नंबर 3, अगर आप चाहते हो कि लोग आपको भरोसेमंद समझें तो माफी मांगना सीखो। चाहे आपकी गलती पूरी तरह से नहीं भी है ना, तब भी आप गलती अपना लो, माफी मांगो और आप देखोगे कि इवन अजनबी लोग आप पे ज्यादा भरोसा करेंगे। एक साइकोलॉजी फैक्ट ये भी है कि जितना ज्यादा आप अपनी फीलिंग्स किसी और के लिए छुपाओगे, दबा के रखोगे, उतनी ज्यादा वो फीलिंग्स आपकी बढ़ेंगी। 4 फैक्ट्स झूठ बोलने वाले और कैसे झूठ बोलने वालों को पकड़ते हैं। नंबर 1, आम इंसान दिन में कम से कम 4 बार झूठ बोलता है। That means 1460 times एक साल में and 87,600 times अपनी जिंदगी में, जब तक वो 60 साल के नहीं होते हैं। और सबसे कॉमन लाई है मैं ठीक हूँ। नंबर 2, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जब कोई आपसे झूठ बोल रहा होता है, उनकी टेंडेंसी होती है कि वो ऊपर देखते हैं और लेफ्ट को देखते हैं। नंबर 3, जो इंसान आमतौर पे अपने हाथों के साथ बोलता है, जब वो झूठ बोल रहा होता है, वो अपने हाथ इस्तेमाल बहुत कम करता है। एंड नंबर 4, अगर किसी के फेशियल एक्सप्रेशन उनके शब्दों के साथ मैच नहीं कर रहे हैं, चांसेस हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं। तो ये था आज का एपिसोड ऑफ साइकोलॉजी फैक्ट्स एंड टिप्स विद गीत। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, खासकर उन लोगों के साथ जिनको ये बातें सुनने की जरूरत है। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो, बेल बटन दबाओ और मेरे साथ जुड़ जाओ।